एमएस धोनी केस अपडेट। धोनी बयान न दें। माही के दोस्त ने दिल्ली हाईकोर्ट से की मांग, 29 जनवरी को होगी सुनवाई। 15 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 29 जनवरी को अब सुनवाई होगी। दरअसल इस मानहानि के मामले में धोनी के ही दोस्त ने उन पर मुकदमा दर्ज करवाया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 29 जनवरी को अब सुनवाई होगी। दरअसल इस मानहानि के मामले में धोनी के ही दोस्त ने उन पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके बिजनेस पार्टनर और दोस्त साथी क्रिकेटर रहे मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर मानहानि मुकदमे पर सुनवाई 29 जनवरी को होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मुकदमे की जानकारी धोनी की ओर से पैरवी कर रहे लॉ फर्म को भी दी जाए। दरअसल धोनी ने मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी पर क्रिकेट एकेडमी खोलने के करार में 15 करोड़ डीडीआई की गड्डी बड्डी करने का आरोप लगाया है। अब मिहिर और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि धोनी को उनके खिलाफ बयान देने से रोका जाए। उनका कहना है कि धोनी की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद झूठे हैं। धोनी की ओर से रांची में दायर किया गया था केस। वैसे हाल ही में धोनी ने दिवाकर और दास के खिलाफ एक आपराधिक मामला दायर किया था। इसमें दावा किया गया था दोनों ने क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के अनुबंध का पालन नहीं किया और 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, ऐसा धोनी के वकील ने बताया था। क्रिकेट से संबंधी और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।